हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोड बाय रोड। आज मैं कांडे गांव के एक स्कूल में आया हुआ हूं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारे उत्तराखंड के जो स्कूल हैं वहां पे कितनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कितने सारे चेंजेस आए हैं और किस तरीके से गांव में लोग मतलब आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो उत्तराखंड में कांडे गाँव में पहला जो स्कूल बना था, मैं आपको पहले वो दिखाना चाहूँगा। आओ मेरे साथ आप। ये कांडे गांव का पहला स्कूल था जो सबसे पहले बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बड़े थे, जो बड़े भाई हो सकते हैं या चाचा ताऊ हो सकते हैं, वो लोग पढ़े होंगे इस स्कूल में। अब जब जब गवर्नमेंट को लगा कि ऐसे स्कूल से बात नहीं बनेगी, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, नया स्कूल बनाया। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा, आ सकते हैं आप मेरे साथ। और ये नया स्कूल बनाया गया कांडे गाँव में, आप देख सकते हैं इस स्कूल को। ये इसका प्रवेश मार्ग है जहाँ से बच्चे अंदर जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और आज संडे की वजह से ना मैं आपको बच्चों से मिलवा सकता हूँ, ना मैं यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे मिलवा सकता हूँ, पर मैं आपको स्कूल दिखा सकता हूँ। ये जो मैदान है पूरा, आप देख सकते हैं इस मैदान को। इस मैदान में उनकी जो प्रेयर होती है, जैसे हम कहते हैं कि प्रेयर कर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग प्रेयर करते हैं, अपनी अटेंडेंस लगवाते हैं, उसके बाद अंदर अपनी उनकी पढ़ाई होती है। और जो उनका स्कूल का समय है वो सुबह 9 बजे से और दोपहर 2 बजे तक चलता है उनका स्कूल। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उत्तराखंड में भी मिड डे मील, जो दिन का खाना होता है बच्चों का, वो भी यहाँ पे मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये उसका चार्ट है, जो मतलब उनको मंगलवार को, बुधवार को, जो डे बाई डे उनका जो रोस्टर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड की सरकार ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया और बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे दी हैं विद्यार्थियों को, अध्यापकों को। और गांव में ऐसा नहीं रह गया जैसे पहले था कि 5वीं क्लास का बच्चा ABCD पढ़ रहा है। आज की डेट में 5वीं क्लास के बच्चे की जो पढ़ाई होती है वही हो रही है, पहले जैसी पढ़ाई नहीं रही। मैं आपको गाँव के सामने, स्कूल के सामने जो व्यू है वो भी दिखाना चाहूँगा कि गाँव के सामने का व्यू कैसा है। मतलब जब स्कूल में बच्चे आएंगे तो उनको पढ़ाई के साथ साथ जैसे एक खुली हवा का जो फील है वो भी मिलेगा। आप देख सकते हैं सामने सोलर जो लाइट है वो भी लगाई गई है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा चीज़ों की सुविधाएं कर दी हैं, अब ऐसा नहीं रह गया है पहले जैसा हमारा उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंड में बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बहुत बदली हैं। और आप गाँव का पहले यहाँ से व्यू देख सकते हैं, आप व्यू देखिए पहले पूरे गाँव का, एकदम पक्की सड़क, पहले जैसी रोड नहीं है कि कच्ची सड़क हो, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है। सामने आप एक गांव का मंदिर भी देख सकते हैं जो गांव वालों ने बनवाया है और एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी मेंटेनेंस की गई है। बगल में खेत भी हैं, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा व्यू है यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको मेरा YouTube चैनल का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आपको और भी अपडेट्स वीडियो के लिए मैं आपको उत्तराखंड की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी व्यूज़ हैं वो दिखाता रहूँगा। थैंक यू। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।